नमस्कार फ्रेंड्स, यूविका मशरूम पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ आज हम अपने शेड के अंदर हैं। अक्सर किसान भाई फर्स्ट फलस तोड़ने के बाद क्या गलतियाँ करते हैं, ये हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला जो फलस है वो लगभग ख़त्म होने के तरफ है। हमने अभी तक अपने इस शेड के अंदर से लगभग 6 क्विंटल मशरूम जो तोड़ ली है। अक्सर किसान भाई क्या गलतियां करते हैं, जैसा यहाँ से मशरूम को तोड़ लिया, उसके बाद इस जगह पे केसिंग नहीं डालते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मशरूम तोड़ने के बाद जो ये इस तरह की खाली जगह जो रह जाती हैं, इन पर सबसे पहले तो आपको केसिंग मिश्रण दोबारा से डालना है, जिससे कि ये जगह खाली ना रहे और यहाँ पर दोबारा मशरूम आए। अगर ये ऐसे ही खाली रह जाती हैं तो आपको यहाँ पर तरह तरह की मोल्ड या तरह तरह की बीमारियाँ दिखनी चालू हो जाएंगी। अक्सर किसान भाइयों को पहले फलस में कुछ समस्याएं भी आती हैं। आपको इन जगहों पर इस तरह से कवरिंग कर देनी है केसिंग मिट्टी डाल के। ध्यान रहे, आप जब केसिंग मिट्टी बनाते हो तो उसमें से कुछ मिट्टी बचा लें, और इस प्रकार जहाँ से आप मशरूम तोड़ रहे हैं उस जगह को कवर कर दें, जिससे कि जो माइसीलियम है वो ऊपर ना आए। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं अभी अपने शेड के अंदर कवरिंग कर रहा हूँ। इस कवरिंग को करने से पानी लगने के बाद जो माइसीलियम है वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए ये कवरिंग ज़रूरी है। अक्सर किसान साथियों को पहले फलस के दौरान कुछ समस्याएं आती होंगी, और हर किसान को जो ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं में मेन समस्या है, जैसे ये आपको ये मशरूम दिख रही है, इसमें इसकी डंडी पतली हो गई है और कई बार ये छोटी छोटी मशरूम खुलने लग जाती है। इस समस्या का मेन कारण जो हमने पाया है वो कारण है कि शेड के अंदर मच्छर मक्खियों का प्रकोप होना। तो आपको समय समय पर हर हफ्ते अपने शेड के अंदर दीवारों और फर्श पर डेल्टामेथरीन या नोवोन का स्प्रे करें, जिससे शेड के अंदर कोई भी इंसेक्ट ना रहे, जिससे कि इसके अंदर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ ना अटैक करें। आप हमारा ये शेड जो देख रहे हैं, ये हमारा सीजनल शेड है। हमारे पास एक शेड हाईटेक भी है, अभी उसका ऑफ सीजन चल रहा है। और आपको सबसे ज़्यादा जो शेड में ध्यान रखने की ज़रूरत है वो पैरामीटर्स हैं, कि आपके शेड के आंकड़े क्या कह रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, ये हमारा CO2 मीटर है, इसमें आपको 2600 के आसपास, 2650 जो है CO2 लेवल दिखा रहा है। और टेम्परेचर अगर आप देख पा रहे हो, 17 डिग्री है और 88 डिग्री मॉइस्चर है। तो अभी हमने अपना जो शेड है इसे खुली हवा के लिए खोला हुआ है, जैसा आपको दिख रहा होगा सामने वीडियो में। किसान भाई अच्छी फसल लेने के लिए CO2 PPM जो है उसे 1500 तक रखें, उससे ज़्यादा जाने पर जो है शेड के अंदर दिक्कतें आती हैं और जो है मशरूम खुलने की समस्या लग जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला फलस ख़त्म होने के बाद दूसरा फलस जो है आना स्टार्ट हो गया है। अभी भी इस शेड से हमारी 20-30 किलो पर डे निकल रही है।